चलो तो आज का सब्जेक्ट है रेखाएं और कोण। तो देखो रेखाएं ये क्या है? रेखाएं है मतलब इसको अनंत रूप से आगे और पीछे भी बढ़ाया जा सकता है, और जब एक ही और जब बढ़ाया जा सकता है एक और स्थिर रहता है तो इसको कहा जाता है किरण। रेखा और किरण के बारे में जाना होगा, और जब दो किरण आपस में एक जगह स्थिर रहता है और एक दूसरे पर झुका रहता है तो उसको कहा जाता है कोण। यहाँ मान लो यहाँ ये ए बी है और यहाँ ए सी है, तो यहाँ पर कोण बन गया सी ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोण बी ए सी। ए बी सी नहीं लिख सकते इसको, ए बी सी नहीं लिख सकते हैं। जहां पर दोनों किरण मिला रहता है उसको कहा जाता है कोण, जहां पर मिला रहता है वही कोण बनेगा। अब यहाँ अगर और जहां पर कोण मिला रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर ए पर दोनों मिला हुआ है ए सी और ए बी, कहाँ पर मिला है ए पर, तो कोण जब भी लिखेंगे तो ए रहेगा बीच में, चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से। इधर शुरू करेंगे तो हो जाएगा सी ए बी, या इधर शुरू करेंगे तो बी ए सी। समझ गया? अब कोण के बारे में जान लेते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, बोलो कौन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? न्यून कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। अब इसमें और कुछ कोण जोड़ देते हैं ऊपर से, अधिक कोण हो गया रिजु कोण, पूर्ण कोण, शून्य कोण, और एक प्रतिवर्ती कोण। तीन कोण के बारे में तो पहले से जानते हो, छोटे क्लास में तीन कोण के बारे में ही पढ़ाया जाता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। अब जो ही ऊपर क्लास जाएंगे तो ये सब कोण के बारे में भी जानना पड़ेगा, रिजु कोण, पूर्ण कोण, शून्य कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो चित्र के द्वारा आप समझ जाओ, न्यून कोण यानी 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। इसका सिंबल ऐसे रहेगा, ऐसे मतलब झुका रहेगा 90 से कम, ठीक ऐसे, ठीक। समकोण 90 डिग्री पर रहेगा, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। अब रिजु कोण क्या है? 180 डिग्री कोण को ये एक रेखा की तरह रहेगा, ठीक, रेखा पर कोई एक बिंदु रहेगा उसके एक तरफ के कोण को कहेंगे रिजु कोण, 180 डिग्री, ठीक। पूर्ण कोण क्या होता है? एक बिंदु के चारों ओर के कोण को कहेंगे पूर्ण कोण, जैसे एक बिंदु है, ठीक, एक मान लो एक किरण ऐसे है और इसी किरण पर एक पूर्ण चक्कर लगाते हुए फिर ऐसे मान लो यहाँ से ऐसे चक्कर लगाते हुए ऐसे करके फिर इसी पर दूसरा किरण भी इसी पर है, यानी एक पूर्ण चक्कर मार लिया एक किरण पर, दूसरा किरण एक पूर्ण चक्कर मार करके फिर उसी किरण पर आकर के स्थिर है, और उसका सिंबल ऐसे रहेगा ऐसे, ये हो जाएगा 360 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री। ये हो गया पूर्ण कोण, ठीक, 360 डिग्री वाला हो गया पूर्ण कोण।
शून्य कोण तब क्या होगा, माने दोनों किरण एक ही एक किरण के ऊपर दूसरा किरण है ऐसे एक बिंदु, लेकिन थोड़ा भी झुकाव उसमें उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी एक ये एक चक्कर लगाए हुए है, देखो पूर्ण कोण और शून्य कोण में क्या अंतर है। देखो इसमें ये सिंबल रहेगा, ये पूरा एक चक्कर वाला, और इसमें कुछ नहीं रहेगा, दिखाई दे रहा है। अब प्रतिवर्ती कोण क्या है, यानी जानते हो पूरा एक बिंदु के चारों ओर का एक चक्कर कोण कहेंगे 360 डिग्री। अब इसमें से कोई अगर न्यून कोण है ऐसे करके, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, इसके अंदर का कोण और इसके बाहर का कोण, इधर भी एक कोण होगा, ये न्यून कोण हो गया, और इसके दूसरी तरफ का जो कोण होगा वो हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती ठीक, समझ में आ गया, प्रतिवर्ती कोण समझ में आ गया, दूसरे तरफ का कोण, यानी कि ये जितना डिग्री कोण दिया रहेगा 360 में घटा लेंगे तो वो उसका प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। जैसे ये 60 डिग्री अगर कोई कोण निकल गया तो 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, तो 360 माइनस 60 बराबर 300 डिग्री ठीक।